रात के 11:30 बज रहे हैं। काफी देर से बैठा रहा लेकिन जगह नहीं मिली। तो देख सकते हैं रोड किनारे टेंट लगा रखा है, ये हाईवे, कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। तो ये लग रहा है मेरा टेंट। तो देख सकते हैं ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हाईवे पे जिंदगी और मौत के बीच में ही सो रहा हूँ समझ लेना, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ी जा रही है। मैंने किसी से बात करी लेकिन कोई मेरे से हिंदी में बात करने को तैयार नहीं। अब किसी से क्या हेल्प मांगूँ, जब कोई बात करे तो हेल्प करेगा मेरी। तो इस चक्कर में ये रहा। और बाकी पीछे माउंट डनी ढाबा था, वहाँ पे मैंने बस मैप में देखा माउंट डनी ढाबा दिखा रहा था। अब क्या करें, ना खाने का पता ना सोने का। महादेव ने आज बहुत तैयारी करके परीक्षा लिया। पैर में दर्द हो रहा, काफ़ी देर से बैठा और नींद ही नहीं आके दे दिया। इतनी सी भी नींद नहीं आ रही कि घुटनों में इतना दर्द हो रहा है, ताकत नहीं है। सोच रहा था सो जाता लेकिन बरसात पड़ी थी। देखिए देखिए भाई, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने परिवार से दूर, सबसे दूर, कभी कभार ऐसा लगता है अनाथ की तरह जिंदगी जी रहे हैं। सबको लगता है कि आसान है यार 12 ज्योतिर्लिंग, भाई बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर ईमानदारी से यात्रा करोगे ना, ईमानदारी से, बिना अपने घर गए, बिना किसी के उसके, तो पता लग जाएगी, हालत खराब हो जाएगी भाई। जैसे लोग बाग सोशल मीडिया पे अपना वो करते ना, अपना मीटअप रखते, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो भाई मेरी व्यवस्था जाएगी। तुम्हारे भाई ने आज तक कभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी। महादेव पे भरोसा रखता हूँ, तो महादेव ने ये जगह दी है, कोई बात नहीं। आज भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, भूख लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महादेव का नाम लेके सोएंगे। लेकिन दुख बहुत है, दिन चलने के बाद खाना में बड़ा दिल दुखता है यार। कोई बात नहीं, सोएंगे, पूरी कोशिश करेंगे सोने की। और सुबह 4 बजे उठना है और चलना है, हमारा काम ही क्या है यार। मैं अपनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं गुजरात में था, महाराष्ट्र में भी था, लेकिन मध्य प्रदेश में भी था, यूपी में भी था, इतनी स्टेट में गया मैं, कभी अपना ऐसा ही नहीं लगा कि मैं अपनों से दूर हूँ। लेकिन ये थोड़ी सा स्टेट में आने के बाद मुझे अपने घर की बड़ी याद आती है यार। पूरे दिन मुंह पे उंगली रख के चलना पड़ता है, अधिकतर ज़्यादातर कोई बात करने वाला नहीं होता। किसी से बोलो तो सोचता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मेरी भाषा समझ में नहीं आती। अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो तो किसी से बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि यार वो कोई बंदा बुरा ना मान जाए। तो देख सकते हैं कुछ तरह से, इस तरह से टेंट लगा रखा है। और भाई बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो भाई बोलते हैं ना, सच में बता रहा हूँ, यात्रा करने वाला इंसान होगा ना, जो सच में यात्रा कर रहा होगा, उसे दुख बहुत होगा, जो सच्चे दिल से यात्रा कर रहा होगा। ये नहीं कह रहा कि मैं सच्चे दिल से, मुझे दुख हो रहा है, सच में महादेव को जो ज़्यादा पूछता ना, या भगवान को जो ज़्यादा, तो उनकी भगवान जरूर परीक्षा लेते हैं कि बेटा देखते तू हमारा भक्त कैसा भक्त है। तो महादेव मेरी परीक्षा ले रहे, कोई बात नहीं, प्रभु परीक्षा देंगे, लेकिन महादेव बच्चे ही आपके हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करना, लेकिन प्रभु अपने आप को तो कंट्रोल कर लेगा बंदा, लेकिन ये है ना, ये नहीं चलता, पूरा शरीर टूट गया यार, ताकत नहीं है। लेकिन 9 महीने की बात है, करेंगे और अच्छे से करेंगे, हंसते हंसते करेंगे। लेकिन ये आंसू इसलिए है क्योंकि अपनों की याद आती है, ये सोचते यार रोना हार हानी ऐसी 100 यात्रा कर दूं मैं महादेव के नाम पे। बस इस बात का दुख है, धर्म की यात्रा कर रहे हैं तो धर्म की यात्रा में करने वाला कोई, ऐसे कहते ना, धर्म की यात्रा करके कोई हेल्प करता है कि चलो भाई आपके रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर पे चलो। अगर किसी से बात करो ना यहाँ पर स्टेट में, तो ढंग से बात नहीं करता यार, सिर्फ इस बात का दुख है। ऐसा लगता भगाने बेगाने देश में आ गए, अपने भारत में रहने के बाद भी ये देश ऐसा लगता सनातन धर्म का देश नहीं है यार। पूजा पाठ तो है, सब कुछ है, लेकिन झंडे की वैल्यू नहीं है भाई। प्रभु श्री राम जी का झंडा लगा रखा है, वो भी नहीं दिखता। देश का झंडा नहीं दिखता यार बंदा, देश का झंडा लगा रखा है, चलो कोई बात नहीं, किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देता, देश के झंडे को तो वैल्यू देता है। राम जी के झंडे को तो चलो, धर्म की बात भी एक है, और देश का तो सबसे बड़ा झंडा वो ना, राम जी का और देश का, उन दोनों को यार देख के अनदेखा कर देते यार, जैसे कि पता नहीं कहाँ से आया है, क्या है,
यहाँ का थोड़ा सीन ऐसी है भाई, मेरे तो भगवान जीवन में ये यात्रा है लेकिन इस साइड कभी पैदल नहीं आने का, जबकि मैंने उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और कई स्टेट में पैदल चला, यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, भाई सब जगह इतना प्यार मिला, महाराष्ट्र सब जगह इतना प्यार मिला यार, और राजस्थान के, गुजरात के लोग तो इतना प्यार देते हैं, यूपी के जहाँ भी मिल जाते, हरियाणा के भाई मिल जाते, कहीं भी इतना प्यार देते, रास्ते में मिलते वही लोग रोकते हैं जो गाड़ी जो अपने उधर की साइड के होते हैं, नहीं तो यहाँ पर कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं अगर तुम रोड पे निकल के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अगर तुम जंगल, तुम्हें पता होगा ना कि आगे जंगल है, उनको पता होगा जंगल है, वो फिर भी नहीं बताएंगे जंगल है बेटा यहाँ रुक जा, बस उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बंदा फंसे क्या, कि मैं जंगल में फंसा हूँ, इस बारे बता रहा हूँ, यहाँ कोई किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है यार, एक हेल्प के नाम पे बंदा उम्मीद करता है, ये टांग पूरी दर्द कर रही है, 50 किलोमीटर चल गया और आज तो टापा ही बहुत हुआ यार, और टापूंगा, नींद ही नहीं आ रही है, पता है पैर का दर्द, भूख में भूख लग रही है, भूख से परेशान, और बाकी तो परेशान, क्या परेशानी यार, महादेव का प्रसाद है, देखिए ये रहा, सो तो पाएंगे नहीं, दवाई लगाएंगे भी, दोनों घुटनों में पट्टी बांधनी है, दोनों घुटने कमज़ोर हो गए, कैल्शियम की इतनी कमी हो गई ना शरीर में, ताकत नहीं है यार, फिर भी भगवान भरोसे चल रहा, 8 से 10 किलो वजन कम हो गया, लोगों को लगता है यार यात्रा, मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर घर से निकले हो यात्रा पूरी करके ही आऊँगा भाई, पूरी करके, चाहे शरीर चला जाए लेकिन यात्रा पूरी करके जाऊँगा, शरीर कोई बात नहीं, 9वां ज्योतिर्लिंग है, फिर 10वां भी होगा, फिर 11वां भी, 12वां भी होगा, होगा सारी ज्योतिर्लिंग होंगे, बस थोड़ा समय लगेगा, दर्द है पैर में मेरे, बस ये साउथ की दिक्कत है मेरे को, अब तो जल्दी तमिलनाडु बॉर्डर लग जाएगा, फिर उसके बाद आंध्रा बॉर्डर, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, ये 3 बॉर्डर मेरे को जल्दी से जल्दी पार करने की, क्योंकि मुझे बस लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है और खाने की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ राजस्थानी ढाबा भी देखा था मैंने, लेकिन राजस्थानी ढाबा सर्च में नहीं आ रहा था इस चक्कर में, और यहाँ टेंट लगा रखा है, तो चलते हैं अंदर की ओर, तो देख सकते हैं यहाँ हमारा सामान रखा है, ये रहा हमारा टेंट, इसके अंदर बैठे हैं, और आप देखिए ये पानी है, इस पानी से काम चलाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि माउंटेनों का गांव है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हुई इस चक्कर में, और बाकी आंगों में इतना दर्द है ये पूछो मत, उठने भूल गए यार, पैस ऐसा नहीं है कि खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ है, पैसे वैसे सब है, लेकिन पैसे हो के भी खाना नहीं मिलता यार, यहाँ का थोड़ा सीन ऐसी है यार, महादेव की कृपा से सब कुछ है, ये पूरी ट्यूब ली थी, ये दर्द में लगा लगा के काम चला रहा हूँ, हाँ दोनों घुटने भूल गए मेरे, पर बहुत बुरी कंडीशन है भाई, आज ऐसी बुरी कंडीशन, तो महादेव भी जानते हैं मेरी हालत क्या है, दवाई लगाऊंगा, ये लगाऊंगा जब सो पाऊंगा भाई, पैरों में बहुत दर्द है, क्योंकि एक तो खाना नहीं मिला, ठीक है यहाँ पे सांभर चावल ये सभी मिलता है भाई, और चावल दाई दर्द करता है मेरे तो, दोनों पैरों में बहुत दर्द रहता है, और यहाँ सांभर मिलता है मेरे से, सांभर से काम होगा नहीं, वो चावल से, तो देखिए ये पट्टी ऊपर करनी पड़ेगी जब जाके ये लगेगा, नहीं तो ये ये पूरा दर्द कर रहा है पैर, ये दवाई लगा के ऐसे ही लगाना पड़ेगा पट्टी, पूरे पैर में दर्द है भाई, बहुत हालत ख़राब है यार, लोग बाग कहते हैं भाई अपनी अग्नि परीक्षा चल रही है यार, ऐसा लगता है आज एक परीक्षा दे रहे हैं, ये दर्द है जांग में, इसमें पूरा दर्द है, घूमने से लेकर इसमें पूरा इतना दर्द है, हद से ज़्यादा, ये लगाओ दवाई के पूरी बोलने की ट्यूब ख़त्म कर दी, कितना दर्द हुआ था, ये पूरे घुटनों में पैरों में पूरा दर्द है यार, हम तो हमारे साथ तो ये वाला सीन है, हम तो झुंड में भी नहीं चलते, जैसे 5-6 बंदों का ग्रुप चलता हम तो सिंगल ही चलते हैं, इस चक्कर में थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा है और दर्द रहता है,
नहीं तो अधिकतर लोग ग्रुप पे रहते हैं, मैं अकेला ही चल रहा हूँ, बस मेरा ग्रुप तो मेरे महादेव है, बाकी महादेव की सेना होगी सुकर से नीचे, अगर वो साथ होंगे तो, नहीं तो अपने को तो अकेला ही चलना पड़ता है। ये देखिए अभी इसको पहले ऐसे ही पैरना पड़ेगा, ऊपर से बहुत दर्द है भाई, ऐसा लग रहा है, पता है क्या है एक्चुअली दिक्कत ये है, कई दिन से सुबह 4-4:30 बजे उठ के चल रहा हूँ, पूरे दिन में नहीं सोता है, पूरे दिन चलता हूँ, इस हमारे पैरों में बहुत दर्द है। ये देखिए भाई दवाई लगा लिया, अभी दूसरे में भी लगाऊंगा भाई, दवाई ला के जाऊँगा मैं सोने, आप लोग भी सो जाओ यार, रोना आ रहा है यार कसम से, हर हर वादे साढ़े, देखिए आप टाइम क्या हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, ये देखिए 12 बज गए, देख सकते हैं आप 12:05 हो गए, चलते हैं भाई सोने जा रहा, सुबह 4 बजे भी उठना है, हर हर महादेव, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, बस यार यही कहना चाहता हूँ, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, हर हर महादेव।